करो। ओके, वंस अगेन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। टाइप योर डाउट्स ऑफ यस्टरडेज टेस्ट। कौन कौन से क्वेश्चन में डाउट थे फटाफट टाइप करो, तो वो देख लेते हैं। बोर्ड्स क्लास में बहुत बुरा रिजल्ट है, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि आप कुछ करोगे एग्जाम में, ऐसा करोगे तो बिल्कुल नहीं चलेगा, बहुत बुरा। ओके, 15th, 5th, 4th। ओके नेक्स्ट, 15th, 9th, 10th। ओके, एक आध दो स्टूडेंट ने मुझे व्हाट्सएप पे भी भेजे थे, बोला था चेक करने के लिए कि कुछ क्वेश्चन आंसर रॉन्ग है या नहीं, वो भी भेज दो। हाँ वो भी देखेंगे, स्निग्ध दो। 10, 15, 4, 15, 9, 10। ओके, ऑल आर इंक्लूडेड ओवर हियर। फिर गूगल क्लासरूम के बारे में भी बताऊंगा, बट इन द एंड अभी फिलहाल हम यही करेंगे। चलो, तो आप सबके डाउट्स हैं 9, 10, 15। ओके, फिर हैं 7, 15, 10, 11। ओके, तो 7, 11, बहुत सारे डाउट्स हैं। पेपर टफ था, फिर 4th इंक्लूडेड है। ओके, 11, 12 में भी डाउट है। ओके चलो, तो मैं शुरू करता हूँ, फिर बताते जाना और कोई क्वेश्चन हो तो इंक्लूड कर देना। 6th। ओके चलो, तो शुरू करते हैं। नॉट क्वेश्चन 9। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 1। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 1। फिर कुशाग्र ने भी एक क्वेश्चन भेजा है, वो देख लेंगे। और ठीक है, और आपने वो कुछ क्वेश्चन मुझे भेजे है ना, दैट आई विल सी। चलो, आदि शर्मा अदर बुक्स के भी किसी ने कुछ भेजे हैं, आई विल सी एंड आई लेट यू नो। चलो पहले ये खत्म करते हैं। सो हियर क्वेश्चन नंबर 1। If ax square plus bx plus c has no real zeros, okay, obviously online exam tough होती है, बहुत सारी चीजें नहीं आती हैं, so ax square plus bx plus c has no real zeros, मतलब इसके real zeros हैं ही नहीं, अब ये सारी चीजें तो अभी हम पढ़े ही नहीं है, right? has no real zeros, and a plus b plus c is less than zero, okay, एक printing mistake का plus भी है, so a plus b plus c is less than zero, तीनों का sum negative है, तो क्या होगा, c इक्वल टू जीरो, c लेस देन जीरो या c ग्रेटर देन जीरो। चलो अब इसका मतलब समझो, आपको पता है कि ax square plus bx plus c का ग्राफ आपको मिलेगा पैराबोला, आइदर अपवर्ड और आइदर डाउनवर्ड, और आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं कि आइदर उसके 1 0 मिलेंगे, 2 0s मिलेंगे, एक भी नहीं मिलेगा। तो आइदर आपका ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है, बिकॉज ये नॉन जीरो केस है। अब वो सारी चीजें डिपेंड करती है आपकी a पे, अगर आपका a ग्रेटर देन जीरो है तो ऐसे कर्व मिलेगा, a लेस देन जीरो है तो ऐसे कर्व मिलेगा। ओके okay. तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके कोई रियल जीरोस नहीं है। ओके okay. और आपको ये दिया गया है कि a प्लस बी प्लस सी इज लेस देन जीरो। अब आपको c के बारे में बताना है, कि c इक्वल टू जीरो होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा या लेस देन जीरो होगा। यार अंकित इज टेलिंग दैट c लेस देन जीरो। अंकित कैसे, अगर यहाँ मैं x की वैल्यू 1 रख रहा हूँ तो 1 पे मुझे वैल्यू नेगेटिव मिलेगी मेरे का। ओके, तो अगर x इज इक्वल टू 1 है तो इधर से ऐसे आ सकता है, बट यहाँ तो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी,
तो ऑब्वियसली मेरा कर्व ऐसा होना चाहिए, x इज इक्वल टू 1 पे नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, x इज इक्वल टू 1 पे नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, तो कर्व ऐसे हो सकता है। बट वहां से हमें सी की कोई कंडीशन तो नहीं मिल पाएगी, ए प्लस बी प्लस सी लेस देन 0, सो ओके मे बी ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी हो, राइट। आई विल सी दिस क्वेश्चन इन मोर डिटेल एंड आई विल लेट यू नो, क्योंकि जितनी इंफॉर्मेशन दी गई उससे तो हम इससे आगे तो नहीं बढ़ पा रहे। इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैज, तो अंकित आपको रीजन से लिख रहे हो सी लेस देन 0 है, ऐसे ही तुक्का मारा? If ax square plus bx plus c has no real zeros, oh, it is there in Adi Sharma. Okay, so just do let me know. So is the question is right? बोलो अनन्या। हाँ बोलो अंकित। हाँ राइट, हाँ बोलो अंकित। हाँ कैसे किया, टू लेस देन 0 कैसे आया? सर, कंडीशन में ये दिया है कि ए प्लस बी प्लस सी लेस देन 0 है, तो मैं मान लिया कि सी लेस देन 0 है। ऐसा कैसे मान लिया? ऐसे तो मैं कुछ भी मान सकता हूँ। ए प्लस बी प्लस सी लेस देन 0 का मतलब ऐसा नहीं है ना कि सी लेस देन 0 का, सी इक्वल टू 0 हो और इन दोनों सम नेगेटिव हो तो भी हो सकता है। सी पॉजिटिव हो, सपोज ये 5 हो, ये -7 हो, ये -8 हो, तो भी तो नेगेटिव हो सकता है तीनों का सम। ओके चलो देखते हैं, आई विल एक्सप्लोर दिस क्वेश्चन एंड लेट यू नो। ओके सर, आरडी में एमसीक्यू क्वेश्चन ना है। ओके जस्ट सेंड मी फोटो ऑफ दिस क्वेश्चन आफ्टर द क्लास, राइट, because at present I am also not having Adi Sharma now. Chalo, so this is your question number one. Now, question number one ke baad aapko doubt tha question number four. So in question number four they are telling us that find the minimum value of expression x square plus x minus 2. We have to find its minimum value. So obviously its minimum value depends on its graph. कि सबसे पहले इसका graph हमें क्या मिलेगा, ठीक है? तो इसका graph आपको कैसा मिलेगा? So since it is parabola, either हमें इसका graph upward मिलेगा या downward मिलेगा, ठीक है? फिर since यहाँ पे ये coefficient हमारा 1 है, okay? So here our a is equal to 1, okay, और it is positive, तो हमारा graph ऐसा होगा, okay, अब इसके zeros हम निकालेंगे, so x square plus x minus 2 को अगर आप 0 ले रहे हो, तो 2 के ऐसे factor निकालो कि minus करके 1 आए, तो 2 1 जा 2, और ये हो जाएगा आपका x plus 2, x minus 1 equal to 0, तो x आपको मिलेगा plus 1, और x आपको मिलेगा minus 2. तो x इज इक्वल टू माइनस टू, x इज इक्वल टू 1. तो जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस टू और x इज इक्वल टू 1 के रिस्पेक्ट में आपको सिमेट्रिक पैराबोला मिलेगा। अब आप देख सकते हो कि इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होगी, यहाँ पे, इजंट इट? अब अगर मैं यहाँ पे y एक्सिस प्लॉट कर रहा हूँ तो ये 1 है, यहाँ पे 0 होगा, राइट, ये y एक्सिस है, यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे -2 होगा। तो माइनस टू और वन का मिड पॉइंट क्या होगा? माइनस टू प्लस वन बाई टू, इट इज माइनस हाफ। अब ये माइनस हाफ जब मैं इधर इंसर्ट करूंगा तब मुझे उसकी मिनिमम वैल्यू मिलेगी, या ग्राफ अगर अलग होता तो मैक्सिमम वैल्यू। सो माय वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई माइनस टू, माय एक्स इज माइनस हाफ होल स्क्वायर प्लस माइनस हाफ माइनस टू, सो इट इज 1 बाई 4
minus 1 by 2 minus 2. My LCM is 4. So when I'll simplify, I'll get 1 minus 2 minus 4 to the 8 divided by 4. And this will be minus 9 by 4. So is it clear? इसकी एक अलग फॉर्मूला भी है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की. जब हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो वो अलग फॉर्मूला मैं तब आपको सिखाऊंगा जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ेंगे. ओके, फिलहाल तो हम हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कर रहे हैं. फिलहाल के लिए ऐसा समझ लो कि अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी गई है, अब अगर उसका ग्राफ ऐसा है तो यहाँ पे उसकी मिनिमम वैल्यू मिलेगी और ऐसा है तो वहां पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी. अब ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो? तो सबसे पहले उसके जीरोस निकाल दो. ओके, सबसे पहले उसके जीरोस निकाल दो. जीरोस निकालने का फायदा क्या होगा? जीरोस निकालने के बाद आपको पता चला जाएगा कि उसकी वो मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू किन दोनों पॉइंट के बीच में है. ओके, फिर जिन दोनों पॉइंट के बीच में हो, राइट, जिन दो पॉइंट आपके जीरो मिल जाए उसका मिड पॉइंट ले लो. इन दोनों का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? ये रहा माइनस टू प्लस वन माइनस हाफ, और उसको इक्वेशन में एक्स की जगह पे इंसर्ट कर दो तो वहां पे आपको उसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी. दिस इज ओनली फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सो इज इट क्लियर? स्टूडेंट्स प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. क्या ये क्लियर हुआ क्वेश्चन फोर? इट इज टिपिकल. ओके, ऑनलाइन एग्जाम में डिफिकल्ट क्वेश्चन मिलेंगे ही. ओके, तो काम आए ऑनलाइन एग्जाम में तो कोई दिक्कत नहीं है. मुझे अब दिक्कत वो हो रही है कि उन सब के मार्क्स कैसे आ गए अभी 15, 14. ओके, चलो, सो क्वेश्चन फोर के बाद आगे बढ़ते हैं. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5. सेम वैल्यूज लिख दो. मैक्सिमम वैल्यू के लिए भी ये सेम करना है. जस्ट आपका ग्राफ आपको ऐसे मिल जाएगा. मैक्सिमम केस में ग्राफ ऐसे मिलेगा. सो ये नंबर ऑफ जीरोस आपको मिलेंगे, उसका मिड पॉइंट फाइंड करो, वो वैल्यू रखो, तो ये आपको मिल जाएगा. राइट, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्यों मिली? क्योंकि इसका ग्राफ ऐसा है. मैक्सिमम वैल्यू क्यों मिलेगी? क्योंकि इसका ग्राफ ऐसा मिलेगा. ओके, इज इट क्लियर स्निग्धो? चलो, इसके बाद वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी. हाँ, पर वो माइनस बी बाई टू अभी हम नहीं पढ़े ना ध्रुव. माइनस बी बाई टू मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है? मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ. माइनस बी बाई टू वाला कंसेप्ट मैं पढ़ाऊंगा जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे ध्रुव. ओके, सो सी हियर, व्हेनेवर, जब भी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू या कोई भी पॉलिनोमियल दी गई हो, राइट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एस्पेशली, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ या तो आपको ऐसा मिलेगा या तो ऐसा मिलेगा, दैट इज पैराबोला. अब उसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो अगर ऐसा ग्राफ है तब हमें उसकी मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और अगर ऐसा ग्राफ है तब हमें उसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी. सो हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे, और स्टेप वन विल बी फाइंड जीरोस. ओके, उसके जीरोस फाइंड कर दो. तो जो मैंने जीरोस फाइंड कर दिया, स्टेप टू, जो जीरोस फाइंड किए, अब वो जीरोस का मिड पॉइंट फाइंड करो. ओके, फाइंड इट्स मिड पॉइंट. जो मैंने मिड पॉइंट फाइंड किया, माइनस टू प्लस वन बाई टू, दैट इज माइनस हाफ. फिर स्टेप थ्री, जब आपको वो दोनों मिड पॉइंट मिल जाएंगे तो मिड पॉइंट की वैल्यू रख दो एक्सप्रेशन में एज एक्स. ओके, तो वहां पे जो वाई की वैल्यू मिलेगी आपको, दैट विल बी योर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू. अगर ऐसा कब होगा तो मिनिमम वैल्यू होगी, ऐसा कब होगा तो यही वैल्यू आपकी मैक्सिमम होगी. इज इट क्लियर? Shall we move to next question? Okay, चलो, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन फोर. क्वेश्चन फोर के बाद अब आपका डाउट है क्वेश्चन फाइव.
द ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल विथ विल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट लीस्ट इन कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, 0, 1, 2 और 3। क्वेश्चन 5 राइट, मैंने आपको समझाया था ये भी, ये तो हमारे मतलब जब हम सारे क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ और सारी चीज देख रहे थे तभी का है। ओके, तो क्यूबिक एक्सप्रेशन को मैक्सिमम 3 रूट्स मिल सकते हैं। ओके, मिनिमम, यस मिनिमम एक रूट तो मिलेगा ही, क्योंकि देखो क्यूबिक इक्वेशन मैंने आपको दिखाए थे y इक्वल टू एक्स क्यूब, सबसे पहले दिखाया था कि जो सिर्फ एक ही जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, फिर हमने एक्स क्यूब माइनस एक्स देखा था, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर देखा था, याद है जो एक्स क्यूब माइनस एक्स था वो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था, 2, एंड एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर था वो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था, 3। तो ये सारे पॉइंट हमने देखे थे। ओके, इट कैन इंटरसेक्ट ऑन 1 पॉइंट और 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, सो मिनिमम विल बी 1। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि वो 0 पॉइंट में इंटरसेक्ट करे, कोई ना कोई एक पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा, नहीं तो क्यूब का ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है। ओके, और अगर आपका क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक 0 पॉइंट में भी इंटरसेक्ट कर सकता है, ठीक है, अगर ऐसा होगा तो वो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है। ओके, चलो तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद आपको डाउट है क्वेश्चन 6। तो क्वेश्चन 6 में आपको पूछा गया है द वैल्यू ऑफ a टू द पावर 1/8 प्लस a टू द पावर -1/8 इनटू a टू द पावर 1/8 माइनस a टू द पावर -1/8 इनटू a टू द पावर 1/4 प्लस a टू द पावर -1/4 इनटू a टू द पावर 1/2 प्लस a टू द पावर -1/2। अब ये आसान क्वेश्चन है, समझो इधर इसमें फ्री के मार्क्स लेने हैं। ओके, सो a टू द पावर 1/8 प्लस a टू द पावर -1/8 इनटू a टू द पावर 1/8 -1 a टू द पावर -1/8। यस, सो ज़ेइम इज टेलिंग दैट स्क्रीन इज नॉट क्लियर, इज इट सो? क्या स्क्रीन आपको क्लियरली नहीं दिख रही है? जस्ट डू लेट मी नो। ओके, सो इफ दिस इज a प्लस b देन दिस इज आवर a माइनस b। ओके, सो a प्लस b, a माइनस b विल बी योर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ व्हाट इज a ओवर हियर, यहाँ पे मेरा a क्या है, इट इज a टू द पावर 1/8। व्हाट इज माय b, a टू द पावर -1/8, और ये आंसर आएगा आपका पहले दो ब्रैकेट्स का। ओके, फर्स्ट टू ब्रैकेट्स विल गिव यू दिस। चलो इन नेक्स्ट आई एम हैविंग a टू द पावर 1/4 प्लस a टू द पावर -1/4 एंड हियर a टू द पावर 1/2 प्लस a टू द पावर -1/2। ओके, सो हियर a टू द पावर 1/4 माइनस a टू द पावर -1/4 बिकॉज 2 4s are 8। नाउ a टू द पावर 1/4 प्लस a टू द पावर -1/4 देन a टू द पावर 1/2 प्लस a टू द पावर -1/2। तो यहाँ पे सेम कंडीशन अप्लाई होगी, इधर a प्लस b, a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो a टू द पावर 1/4 होल स्क्वायर माइनस a टू द पावर -1/4 होल स्क्वायर, उसके साथ है a टू द पावर 1/2 प्लस a टू द पावर -1/2, सो इट इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा a टू द पावर 1/2 माइनस a टू द पावर -1/2, और ये हो जाएगा आपका a टू द पावर 1/2 प्लस a टू द पावर -1/2। चलो a माइनस b, a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो a टू द पावर 1/2 होल स्क्वायर माइनस a टू द पावर -1/2 होल स्क्वायर, 2 कैंसिल, सो a माइनस a टू द पावर -1, इजंट इट? अब आपको आंसर किस फॉर्म में दिया गया है ऑप्शंस में वो आपको देखना पड़ेगा। हाँ, तो इस फॉर्म में दिया गया है a माइनस a टू द पावर -1, सो दिस विल बी योर आंसर b, दिस इज योर b, इज इट क्लियर? सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद आपको डाउट है 7, 8 देन 10, 11, 12, 15। जाए नेक्स्ट। ओके, आई थिंक वापस समझाने की जरूरत नहीं है ना, जस्ट डू लेट मी नो। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं।
मौर्यवर्धन क्वेश्चन टू, क्वेश्चन टू में भी डाउट था क्या? चलो तो लेट अस सी क्वेश्चन टू फर्स्ट. इज द पॉलिनोमियल 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 एंड x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस a, x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस a leaves the same remainder when divided by x minus 2. जब x minus 2 से आप divide कर रहे हो तो दोनों के remainder same है. Then value of a. अब ये तो आसान होना चाहिए. ये तो class 9 से ही आपका solve हो जाएगा. Class 9th remainder theorem, isn't it? Sir. दोनों के case में remainder same रह रहे हैं. तो my p of 2. Suppose ये p है, ये q है. So it is q of 2. Now my p of 2 will be 2 into 2 cube plus a into 2 square plus 3 into 2 minus 5 is equal to 2 cube plus 2 square minus 4 into 2 plus a. So implies 8 to the 16 plus 4a plus 6 minus 5, 1 is equal to 8 plus 2 square is 4 minus 4 to the 8 plus 8, plus 8, minus 8, cancel. Okay. So now, your 4a minus a will be 3a is equal to 4 minus 1 minus 16. Isn't it? Sure. Minus 17 plus 4. I think it is minus 13. So your a will be minus 13 by 3. It is there in options? Yes. ओके माइनस 13 बाय 3 ऑप्शन सी. सो ये तो आसान है मोरिया. चलो अब हम कौन सा क्वेश्चन देखने वाले थे? हमने लास्ट कौन सा क्वेश्चन देखा? क्वेश्चन 6 देखा ना. नाउ यू आर हैविंग डाउट इन क्वेश्चन 7. इन क्वेश्चन 7 दे आर आस्किंग दैट इफ एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स आर टू पॉलिनोमियल्स. एफ ऑफ एक्स है और जी ऑफ एक्स है, तो आपके टू पॉलिनोमियल्स हैं. With integral coefficients such that their HCF is 1 and LCM is x square minus 4 into x to the power 4 minus 1. और उसके coefficient आपके integers हैं, ऐसा बोल दिया है. उनका highest common factor 1 है और उनका least common multiple है x square minus 4 into x to the power 4 minus 1. If f of x is x cube minus 2x square minus x plus 2, एफ ऑफ एक्स आपके पास एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, देन फाइंड जी ऑफ एक्स. चलो कैसे फाइंड करेंगे? राइट, हमें सारी कंडीशन दी ही गई है. अगर आप उसे ध्यान से समझे तो ये दो चैप्टर का मिक्स क्वेश्चन है, दैट इज चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2. यस राइट, दो नंबर का एच सी एफ और एल सी एम दिया हो तो हम क्या कर सकते हैं? A into B will be HCF of two numbers into LCM of two numbers. तो यहाँ पे उन दोनों की जगह दो polynomials दी गई हैं. तो f of x into g of x, ये chapter one का concept chapter two के साथ combine. LCM into HCF. Now, my f of x is x cube minus 2x square minus x plus 2. My g of x I have to find out. LCM is x square minus 4 into x to the power 4 minus 1 and HCF is 1. So my g of x will be this divided by this. So first let us multiply this. So our g of x will be x to the power 4 into 2, x to the power 6 minus x square minus 4 x to the power 4 minus minus plus 4 divided by
x cube minus 2x square minus x plus 2. Now, how you will divide one polynomial with another? Right. Obviously, we are going to use division. Okay. Yeah, either aapke paas do option hai. Ya to aap iska long division kar sakte ho. Ya aap iske factors nikal sakte ho. Okay. अब इसके फैक्टर्स निकालना तो आसान थे, यहीं से हम आगे बढ़ सकते हैं, x माइनस टू एक्स प्लस टू, एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, फैक्टर्स वाला आसान रहेगा. बट ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो क्यूबिक क्या फैक्टर्स कैसे निकालोगी? तो सबसे पहले अंदर x इज इक्वल टू वन माइनस वन ऐसा रख के देखोगी. तो जब वन रख रहे हो, अब यहाँ पे टीवी मेथड नहीं, शॉर्टकट अब स्निग्ध आपको दिखा रहा हूँ टीवी मेथड, यहाँ पे समझना. ओके हाँ ओके सो हियर, चलो यहाँ पे इसके फैक्टर्स क्या होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस फोर के, एक्स माइनस टू, एक्स प्लस टू. चलो एक्स फोर टू टी पावर फोर माइनस वन, उसका होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन, इजंट इट. चलो अब डिनोमिनेटर, तो वन रखो, वन माइनस टू माइनस वन प्लस टू, सो टू प्लस वन थ्री, माइनस थ्री जीरो. तो x इज इक्वल टू वन इसका एक फैक्टर है, x इज इक्वल टू वन इसका एक जीरो है, दैट मीन्स x माइनस वन इसका एक फैक्टर है. राइट, अब टीवी मेथड, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स, एक्स टू द पावर जीरो, याद है टीवी मेथड, हम इसके कोएफिशिएंट्स रखते थे यहाँ पे. ओके सो इसके कोएफिशिएंट्स क्या है, एक्स क्यूब के वन, एक्स स्क्वायर के माइनस टू, एक्स के माइनस वन, एक्स टू पावर जीरो के टू. दिस इज शॉर्टकट मेथड, माइंड वेल, दिस इज ओनली फॉर एमसीक्यूज. अब एक्स इज इक्वल टू वन रख के आंसर क्या आ रहा है, जीरो. एक्स इज इक्वल टू वन रख के आंसर आ रहा है जीरो. अब हम क्या करते थे, राइट, वर्टिकली हम करेंगे एडिशन, सो वन प्लस जीरो इज वन, और क्रॉस में करेंगे मल्टीप्लीकेशन, वन इंटू वन वन. ओके अगेन वर्टिकली हम करेंगे एडिशन, पहले वर्टिकली हम करेंगे एडिशन, फिर उसका जो आंसर आएगा उसको क्रॉस में लेके जाएंगे और उधर करेंगे मल्टीप्लीकेशन. ओके जैसे यहाँ पे क्या, वन प्लस जीरो वन, वन इंटू वन वन. नाउ माइनस टू प्लस वन, माइनस वन, माइनस वन इंटू वन, माइनस वन. राइट, यहाँ पे एडिशन किया, फिर इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई किया, माइनस वन इंटू वन, और इधर रखा. चलो माइनस वन माइनस वन, माइनस टू, माइनस टू इंटू वन, माइनस टू, टू माइनस टू, जीरो. फिर ऊपर क्या करते थे, सबको एक एक जगह पे शिफ्ट, तो एक्स क्यूब बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर वन, एक्स टू द पावर जीरो. तो फैक्टर्स आपके पास क्या आ जाएंगे, पहला फैक्टर आया ये, एक्स इज इक्वल टू वन है तो एक्स माइनस वन, दूसरा फैक्टर आया ये, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू. राइट, फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू के तो अभी हम निकाल के गए थे, राइट, क्या था, एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन, इजंट इट. तो फाइनल फैक्टर्स आए एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स प्लस वन. क्या ये टीवी मेथड पता चली? टीवी मेथड एक बार वापिस रिपीट करूं, एक्चुअली इसका पूरा नाम है सिंथेटिक डिवीजन मेथड, एंड दिस इज ओनली फॉर शॉर्टकट्स. ओके, सिंथेटिक डिवीजन मेथड, शुड आई रिपीट इट अगेन? जो पुराने स्टूडेंट्स थे उनको समझाया था, जो नए स्टूडेंट्स हैं मैं आप सबको पूछ रहा हूं, क्या रिपीट करूं? जस्ट लेट मी नो. प्लीज टाइप क्विकली इन चैट बॉक्स, यू आर नॉट गिविंग एनी रिस्पॉन्स. ओके जैम, ओके रिपीट करूं, सी आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन, समझो यहां पे. So this method is applicable for all higher degree polynomials, x cube, x to the power 4, x to the power 5. How we are going to find this? First you have to find one factor. Now how we are going to find any one factor? Just put all the values, right, by trial and error or hit and run. X is equal to 1, minus